हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन का पूरा स्टडी प्लान, मींस उसके इम्पोर्टेंस, टॉपिक, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे सब कुछ और टाइम टेबल। और उसके बाद मैं आपको पेपर टू और थ्री का भी स्टडी प्लान बताऊंगी। सो आज हम कर रहे हैं पेपर वन, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है, तो आई थिंक ये सबसे पहले हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हर एक टॉपिक कैसा कैसा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको स्ट्रेस देना है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। और फिर लास्ट में मैं इसका टाइम टेबल भी आपको बताऊंगी कि आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इसको नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब का न्यू रूल है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में से हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, नेचर कैसा, ऑब्जेक्टिव कैसा है, करेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है टीचिंग का, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स के पे भी आता है। मैंने ये टीचिंग का पूरा आपको कोर्स करवा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग वाली प्लेलिस्ट, या फिर CBSE UGC नेट इन हिंदी वाली भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे टॉपिक वन बाय वन मिलते रहेंगे आपको। एंड मेथड ऑफ टीचिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इवेल्युएशन सिस्टम की कैसे इवेल्युएट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर थ्योरी के साथ स्टिक रहना है, एक पर्टिकुलर थ्योरी के साथ स्टिक आप नहीं रह सकते, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा होगा उसमें आपका चेक करेंगे कि आपको क्या समझ है या नहीं। एक टीचर अगर अच्छा है तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा और किस तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ डील करेगा, अपने दूसरे को टीचर्स के साथ डील करेगा, ठीक है। सो ऐसा कुछ उसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड यस, मेथड आपके पास मिल जाएंगे, वो हम कवर कर चुके हैं। लर्नर्स के करेक्टरिस्टिक्स, काफ़ी हद तक करेक्टरिस्टिक्स हम कवर कर चुके हैं, वो थ्योरेटिकल पार्ट से कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने एक थ्योरी पढ़ ली तो उसी में से कोई क्वेश्चन बन गया आएगा, ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए आप जस्ट प्रैक्टिस करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करो, या कुछ BEd वालों के भी मिल जाते हैं वहाँ से लेके देख लो, ठीक है। अपने UGC के ही करो कुछ प्रिपेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए थे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा आइडिया लगाओ, एक क्वेश्चन आपने जब सॉल्व किया तो उससे रिलेटेड देखो कि रिलेटेड आपको समझ में आता है या नहीं। अगर इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसका क्या आंसर दोगे, इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो टीचिंग एड वगैरह ये सब तो ठीक है, आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा, बट इसमें यही है कि एक टीचर को कैसा एक्ट करना चाहिए, वो मतलब अपनी समझ के ऊपर है कि क्या आप एक स्टूडेंट समझ पा रहा है कि वो कैसा एक्ट करेगा, क्या करेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप कहोगे कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर बुक पकड़ के बस उसकी थ्योरी देख ले तो आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने हो सके सॉल्व करो, उनमें देखो कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके आंसर्स कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आप आंसर सही से दे पाओगे। और उसकी ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट देख लेना। अब हम आ जाते हैं रिसर्च पे। रिसर्च एप्टीट्यूड में मीनिंग, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप, यस इसके लिए आप थ्योरी फॉलो कर सकते हो, स्टेप ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये है आपका एक सिलेक्टेड पैटर्न है इसका कि कैसे टाइप होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो किसी का कॉपीराइट कर जो कंटेंट है उसको हम अपने में यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर बिब्लियोग्राफी देनी है, उसको मेंशन करना है कि हमने ये उससे लिया है। देन कुछ भी अनएथिकल नहीं करना चाहिए, जैसे हम समझते हैं कि हमारे अपने चाइल्ड होता है वैसे ही हमें अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है, ठीक है। पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सिंपोजियम, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है और कैसे होता है। फिर थीसिस राइटिंग के बारे में भी, इसका स्टेप्स वगैरह है, करेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेट है, मतलब एक थीसिस का फॉर्मेट गिवन है तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर थ्योरी पार्ट आप कर सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे आप भी फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोलूँगी कि MCQ जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा सॉल्व करो। सो यहाँ पे कुछ पैटर्न है आपका जो फॉलो हो सकता है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक प्रॉपर है आपके पास मटेरियल कि ये आपने पढ़ना है और इसके बेसिस पे आप आंसर्स दे सकते हो। सो पहले एक बार कंटेंट को क्लियर कर लो, मैंने यहाँ पर करवाया है UGC नेट का, मेरे रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट देख लेना और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर करो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, तो पैसेज जो है वहाँ पर आपको आंसर देना होता है, एक पैसेज गिवन होता है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको देने होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं जैसे, इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो इसके लिए बेसिक यही है कि आपको कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए। इसमें ये देखता है आपका एग्जामिनर, ये चेक करता है कि अगर आपको कोई पैसेज दिया है तो उसको समझ के कोई
उससे रिलेटेड टॉपिक आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, तो आप उसको आंसर कर पाते हो या नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक एग्जाम में जो भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूजीसी नेट का ही दे रहे हो, फिर आगे जाके प्रोफेसर बनना है, तो अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप आगे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओगे? ऐसे ही अगर कोई बैंक में है तो उधर भी कॉम्प्रिहेंशन इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पर इतने सारे आपको देखने हैं, इतने सारे पैराग्राफ्स रीड करने होते हैं वहाँ पर भी। उसको अगर समझने की ही क्षमता नहीं है, किसी में समझने की एबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे आगे अपना वर्क करेगा सही से? इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? इसकी ट्रिक मैंने बता दी थी कि हमेशा पहले क्वेश्चंस देखो, फिर उसके बाद आप उसमें से कीवर्ड देख लो, ठीक है? कीवर्ड्स देख सकते हो, तो उसके बाद जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड आप पैसेज में ढूंढोगे, आपको यहाँ मिल गया तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो यस, यूजीसी में तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, दूसरे एग्जाम में नहीं कर सकते। तो थोड़ा उसके आसपास एक दो लाइन ऊपर एक दो लाइन नीचे करके रीड करके और देखो कि कौन सा आंसर आपका होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। मेरा जरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्लास देखना, ठीक है? इसके लिए आपको वो कैब बनानी है, और वो कैब के लिए कोई भी एक वर्ड है, मान लो मेरे को यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही नहीं पता, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन का मैं सिमिलर वर्ड भी देखूंगी डिक्शनरी में, सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड, ये दोनों वर्ड हमें देखने चाहिए, ठीक है? जो भी वर्ड आपको लग रहा है कि आपको उसका मतलब नहीं पता, तो उससे रिलेटेड सिमिलर और अपोजिट वर्ड, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो अभी से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। कम्युनिकेशन का भी आपके पास नेचर पूछना है, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर इंपॉर्टेंट हो गए, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और बाकी आपको पता ही है कि कौन कौन सी थ्योरीज है और किसके हिसाब से क्या चलता है, वो मैंने कवर करवा दिया। आप जरा मेरी प्लेलिस्ट देखना कम्युनिकेशन वाले भी, ठीक है? और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यहाँ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सकता है यहाँ से कोई पीछे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही उठ के सेम आ जाए, ये होता है यहाँ से। और इसमें यस, अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट कर लोगे तो उसके बाद एमसीक्यू मैं हर बार बोल रही हूँ हर एक टॉपिक में कि करना ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है। बैरियर इंपॉर्टेंट है, टाइप्स, इफेक्टिव, ये सब मैंने बता दिया। नाउ रीजनिंग में आपके पास आया था नंबर सीरीज, लेटर सीरीज यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है? अल्फ़ाबेट सीरीज मैं करवा चुकी हूँ, तो आप उसकी भी देख लेना, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज भी मैं करवा चुकी हूँ। उसके बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये आप देख सकते हो। इसको मैंने अल्फाबेट सीरीज के प्लेलिस्ट से भी यहाँ पर बनाया है। कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है यहाँ पर, फिर रिलेशनशिप्स यानी कि ब्लड रिलेशंस, ये भी मैंने पूरा अच्छे से करवाया है, इसकी भी प्लेलिस्ट देख लेना। क्योंकि यहाँ पे एक आपको चार्ट बनाना है, उसके बेसिस पे आप कोई भी आंसर कर सकते हो। जैसे कि मेल का हम डिनोट करते हैं एक बॉक्स से, और फीमेल को डिनोट करते हैं इस सर्कल से, और इसके हिसाब से आप कोई भी रिलेशन बना सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल सही आता है उस मेथड से। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी, ज़रा ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लो, जो मैंने मेथड कराया है वो बहुत ही अच्छा और ईजी है। फिर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाते हैं, और रीजनिंग वाले साइड से यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, एक हाँ एक या एक क्वेश्चन मेनली आ जाता है आपका, कहीं पे डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है और इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी वाले कैटेगरी में आती है, ठीक है? ऐसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या फिर एक एग्जांपल दे देंगे उसके बेसिस पे पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग में आपका सिलॉक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलॉक्स, ठीक है? वो मैंने बता दिया, यूजीसी नेट के हिसाब से पूरा सिलॉक्स मैंने करवा दिया है कि कैसा। आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। असर्शन बिल्कुल आपका जनरल नॉलेज बेस्ड होता है, या फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। असर्शन दे दिया है और रीजनिंग दे दी है, और जो उन्होंने पूछा है कि ये दोनों सही है या नहीं, ट्रू है या नहीं, अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर रीजनिंग और ये दोनों ट्रू है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जस्ट वो जनरल नॉलेज बेस्ड ही होते हैं। फिर उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजीज, ऐसा कुछ होता है। एंड देन यहाँ पर मेन आ जाता है फिर आपके वेन डायग्राम भी आ जाते हैं। सिलॉक्स के अंदर ही मैंने कवर करवाया है वेन डायग्राम की कैसे होता है, ठीक है? वेन डायग्राम बनाने आने चाहिए आपको, उसकी थ्योरी पूछ लेते हैं यहाँ से, थ्योरी पूछ लेते हैं यूजीसी वाले आपके सिलॉक्स से, और वेन डायग्राम से भी थ्योरी पूछ लेते हैं हर जगह, जैसे डेफिनेशन वाले हो गए यहाँ से भी थ्योरी पूछ ली, इंग्लिश पार्ट है ये फिर भी। इन्फ्रेंसेस के बारे में पूछ लेते हैं, मैंने मीडिएट इन्फ्रेंस, इमीडिएट इन्फ्रेंस सब मैंने सिलॉग्स में कवर करवाया है, ज़रा वो चेक कर लीजिएगा ताकि आपका कोई छूटे ना वहाँ से, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग भी पूछ लेते हैं। सो
काफ़ी हद तक मैंने रीजनिंग दोनों मिलाकर करवा दी है यहाँ पर। ब्लड रिलेशन नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज में तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और ब्लड रिलेशन में भी एक्सपर्ट हो जाओगे, ज़रा वो चेक ज़रूर कीजिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन DI, मैं कहूँगी कम से कम वंस अ वीक एक DI आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, वंस अ वीक। और उसके बाद इसके अंदर मेनली आजकल आप जो आ रही है ना, वो टेबुलर वाली आ रही है, बार वाली भी आ सकती है, टेबुलर वाली सबसे ज़्यादा आ रही है आजकल DI, टेबुलर वाली मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों से बार बार आ रही है। ग्राफिकल पाई तब भी मैंने सारी करवा दी है, टेबुलर वाली भी करवा दी है, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ आ जाता है, रेशियोज इसके अंदर बेसिक है, आपको समझना चाहिए कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं, रेशियो कैसे निकलती है, परसेंटेज कैसे निकलती है, ठीक है। और उसको मैंने समझा दिया है बेसिक से लेकर टेबुलर बार पाई जो भी आपके कोर्स में हो सकते हैं ना, पिछले 2004 से लेकर 2017 तक के क्वेश्चंस मैंने DI के करवा दिए हैं, ज़रा वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखे। और अगर देख लिए हैं पहले ये सारा आपने कर लिया यहाँ से, क्योंकि ये मटेरियल आपको मिल गया है, इसके बाद आप एक DI एक हफ्ते में ज़रूर करोगे, अगर टाइम मिलता है आपको तो 2 DI करो एक हफ्ते में, तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। पेपर वन तो फ्रेंड्स ऐसा है कि पेपर 2 और 3 के साथ साथ चलने वाली चीज़ है, कि साथ साथ वो भी कर रहे हो, जैसे कम से कम आधा घंटा एक दिन में पेपर 1 को दे रहे हो, तो इस तरीके से आपका चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ICT में फिर आपका ये मैंने कवर करवा दिया है। यहाँ पे एक तो बेसिक्स है कंप्यूटर के, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और सब उससे रिलेटेड, इंटरनेट, ईमेलिंग वगैरह ये सब है। एब्रीवेशंस मैंने यहाँ पर बहुत सारी करा दी है, more than 200 या 300 के आसपास मैंने एब्रीवेशंस यहाँ पर करवाई हैं, सो वो आप देख सकते हो। मैंने ICT की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें से। देन मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूसेस, ये बेसिक कंप्यूटर है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सो वो आप देख लेना। अब पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात है, यहाँ पर कैसे इंट्रैक्शन होता है, पोल्यूशन, बहुत सारी गैसेस के बारे में पूछ लेंगे। रिसेंटली रिसेंटली जो भी आपका चल रहा होता है, जैसे इस टाइम पे स्मोक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था आपका 2017 नवंबर में, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा न्यूज़पेपर में अपडेटेड रहना चाहिए कि कौन कौन सा स्मोक ज़्यादा चल रहा है, तो आपको आंसर इजीली आ जाएगा, एग्जाम में देना आ जाएगा। देन उनका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमर लाइफ पे, ये मैं काफ़ी हद तक पीपल एंड एनवायरनमेंट भी कवर करवा चुकी हूँ। हैजार्ड्स, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब मैं कवर करा चुकी हूँ, ज़रा वो भी देख लेना, क्योंकि पेपर 1 तो फुल्ली करवा चुकी हूँ मैं यूट्यूब पे। देन यस, जो मैंने कोर्स करवाया है 9 क्लासेस पे, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपका आया हायर एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि बिल्कुल सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन में से, और नॉलेज ऑफ सिविक्स ज़रूरी है। 10th क्लास की आप देख सकते हो, 10th क्लास की बुक उठाकर देख सकते हो, उसमें थोड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। देन पॉलिटी के बारे में है क्वेश्चन वहाँ पे, तो आप वो देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने पूरा कवर करवा दिया है यहाँ पर। देन पॉलिटी पार्ट भी मैंने करवा दिया है काफ़ी हद तक यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत अच्छे खासे नोट्स हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज आपको चेक करनी है ना, तो जनरल नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, अप टू डेट मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था आपको कि मैं ये वेबसाइट्स बताऊंगी जहाँ से आपको मिलेगी। एट द एंड आप इजिली इन जनरल नॉलेज को देख सकते हो, वहाँ पे ना ये जो साइट है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की है, IBEF.org/industry/education-sector-india, ये वाला पेज जरा खोलना, इसका लिंक ठीक है मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन साइट का। ये ऑफिशियल साइट्स हैं, ये वाली MHRD की साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD और हायर एजुकेशन की साइट से मैंने पूरा लेटेस्ट डेटा लेकर वीडियो बनाई है, वो मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। उसके अलावा उससे ज़्यादा लेटेस्ट चाहिए तो आप ये वाली साइट पर जाकर देख लेना। इसके साइड में जो ट्वीट्स आते रहते हैं ना, ट्वीट्स, उसमें लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी कि कौन सी उन्होंने किसने क्या बोला है, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, तो ये भी देख लेना। मैंने पूरा आपको बता दिया कि कहाँ से जनरल नॉलेज आ सकती है हायर एजुकेशन और पॉलिटी पार्ट से, ठीक है, और कौन सी यूनिवर्सिटी को कौन सा अवार्ड मिला, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर इन वेबसाइट्स पे देख रहे हो रेगुलरली एक आध बार नज़र घुमाकर, तो आपको वो आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं अब एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया ना लेटेस्ट अवार्ड कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है, इससे इस बार 2 क्वेश्चन आ गए थे इस पोर्शन में से, सो ये भी ज़रा देख लेना। एट द एंड मैं यही कहूँगी इन वेबसाइट्स पे
पे जाकर अगर आप देखोगे ना, आपको ओरिजिनल, ऑथेंटिक और लेटेस्ट न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। ये जो फर्स्ट वाली है, यहाँ से तो ज़रूर ये जो ट्वीट्स वगैरह मैंने बताए, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जितनी प्रैक्टिस है वो करते रहो, प्रैक्टिस इज़ वेरी मस्ट। अब इसमें क्या होता है कि आप कहोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कितनी बार करें, कितना करें, तो आपका एक बार आपने कंटेंट देख लिया ना, साथ साथ उसके एमसीक्यू कर लिए, अब आपके पास टाइम बचा है तो रोज आधा घंटा पेपर वन को तो दो, पेपर टू और थ्री कर रहे हो उसके साथ साथ हाफ एन आवर पेपर वन को दो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है काफ़ी, आराम से आप कर सकते हो ये सब। अब हमारा आज का मेन मुद्दा जिसके लिए सब वेट कर रहे थे, दैट इज़ टाइम टेबल। सो लेट अस डिस्कस कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाओ। यहाँ पे मैं पूरा टाइम टेबल नहीं बना रही क्योंकि एक स्टिक नहीं रह सकते उसके साथ। मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ से कैसे कैसे करना है, कौन से टॉपिक डेली करने हैं और कैसे करना है, क्योंकि जो प्रॉपर टाइम टेबल है हम पेपर टू एंड थ्री के लिए बता सकते हैं, बट पेपर वन के लिए थोड़ा आप अपने आप माइंड लगाओ कि आपके हिसाब से क्या चलेगा, वो मैं थोड़ा आपको सजेस्ट जरूर कर देती हूँ आज। पेपर टू एंड थ्री मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। अब इनमें से कौन से टॉपिक है जो आपको रेगुलरली देखने हैं, रोज रोज उसमें थोड़ी सी नज़र घुमानी है, वो है आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको रेगुलरली एक हफ्ते में एक बार करना है, इसका मतलब ये रेगुलरली हो गया। मैं मेन बता रही हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स, ठीक है, इन दोनों के क्या करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह जो मैंने साइट्स बताई वहाँ से देख सकते हो, और भी मैंने अपनी वीडियो में भी बताए थे, कुछ सजेस्ट किए थे वहाँ से भी देख लेना। देन उसके अलावा रीजनिंग पार्ट है, ये वाला जो रीजनिंग पार्ट है इसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी में से आता है। और एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप एक बार कर लोगे ना, तो मान लो एक महीने में एक बार भी कर लिया क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा दूर है, तो एक बार मेरी क्वेश्चन देख के ट्रिक देखो कि कैसे आपको करना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ हो सकते हैं तो ठीक है, आपको इजीली कर सकते हो। पहले क्वेश्चन देखो उसके बाद पैराग्राफ में जाओ और इजीली हो जाएगा, एक दो बार करोगे ना हो जाएगा आपसे, ठीक है। बस रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, डेटा इंटरप्रिटेशन को सबसे ज़्यादा टाइम देना है रेगुलर बेसिस पे, और पीपल एनवायरमेंट हायर एजुकेशन को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। अब ये रेगुलर बेसिस पे इनको टाइम देना है। अब हम बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की। अब हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड पे, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आपने एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं, थ्योरी गो थ्रू करनी है, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं, जब टाइम मिलता है वहाँ से कर लो, ठीक है। कहीं से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिले आप करो, रेगुलर बेसिस पे करोगे ना तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ इसको ऐसे आंसर, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड तो मैं ऐसे आंसर कर दूंगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड भी है, इसके भी एमसीक्यूज जितने करो उतने कम है। अब ये पार्ट तो वो था ना जिसको समझने की ज़रूरत थी और डेली अप टू डेट रहना है। रीजनिंग पार्ट के लिए भी आपको प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो छोड़ दोगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे एकदम से पजल हो जाओगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी टीचिंग और रिसर्च की, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो सकते हैं उतने करो, एमसीक्यूज इसके भी सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज करते रहो, कम्युनिकेशन के भी। एंड देन हम आए आईसीटी पे, इस पे भी एमसीक्यूज और जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं एब्रीवेशंस, ठीक है, एब्रीवेशंस वो करो आईसीटी की, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में एब्रीवेशंस तो आती ही आती हैं, इसलिए। सो इस तरीके से अपना ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आपने एक हफ्ते में एक कम से कम डीआई करना है, हो सकता है तो दो डीआई करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मान लो एक हफ्ते में एक कर लिया, अच्छी बात है आपके लिए, बेटर है। टाइम नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार ट्रिक समझो और उससे अगर आपसे हो रहे हैं ना सॉल्यूशंस तो ठीक है और अच्छी बात है। एंड देन आपको इसके लिए अप टू डेट किसके लिए रहना है, इनके जो लेटेस्ट निकलते हैं न्यूज़ उनके लिए आपको अप टू डेट रहना है, मैंने साइट्स बता दी हैं। इस तरीके से आप थोड़ा मैनेज करो अपना टाइम। देखो अगर आपको रेगुलरली देखना है ना कितने दिन देने हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को 3 दिन दे दो, 4 दिन दे दो रिसर्च एप्टीट्यूड को, ठीक है। और फिर आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपका 2 दिन में हो जाएगा, मेरी वो देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहना, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट समझने के लिए इतने दिन देने हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो जितने हो सकते हैं करते रहो। आधा घंटा जो आपने रोज निकालना है ना ये पेपर वन के लिए अपने पेपर टू एंड थ्री के साथ साथ, तो वो इस तरीके से आप अपना मैनेज करके रखो। रीजनिंग को तो बहुत टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत वास्ट है, काफ़ी हद तक मैंने ब्लड रिलेशन वगैरह जो कराया है ना वो आप मेरे देख लो, वो होता है हो जाएगा। आईसीटी को आपने कितना टाइम देना है, इसको 3 या 4 दिन, 3 से लेकर 4 दिन आईसीटी पे लग जाएंगे। पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में आपके दोनों के कंबाइंड में बता देती हूँ 10 दिन लग जाएंगे।
इस तरीके से आप थोड़ा मैनेज करो अपना टाइम, तो आपका अच्छे से हो जाएगा पेपर वन। आई होप कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ इस बार, आपके JRF हो जाए सबकी। ऑल द बेस्ट फॉर माई साइड, थैंक यू फ्रेंड्स। और मुझे ज्वाइन कर सकते हो आप फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं किया, क्योंकि फेसबुक ग्रुप पे ना मैं काफ़ी हद तक दूसरे भी शेयर करती रहती हूँ आपसे लिंक्स, तो आप ज़रा ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। और अगर सब्सक्राइब के साथ आइकन को क्लिक नहीं किया ना, वो घंटी को, बेल को, तो प्लीज़ उसको क्लिक ज़रूर कर लेना।